हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ इस तरह का ऑरेंज टोन फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ लाइटरूम के मदद से। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो फटाक से वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, तो मैं लाइटरूम एप्लीकेशन में फ़ोटो को शेयर कर दिया हूँ, उसके बाद से फ़ोटो को ओपन कर दीजिएगा। और फ़ोटो को ओपन करने के बाद से आपको लाइट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। और क्लिक करने के बाद आप अपने हिसाब से अपने फ़ोटो का लाइट सेट कर लीजिएगा। एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा और क्लियरिटी को भी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। हाईलाइट को भी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा और शेडो को आपको थोड़ा सा माइनस कर दीजिएगा। और वाइट को आपको थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा और आपको ब्लैक को माइनस कर दीजिएगा। और इतना हो जाने के बाद आपको कलर वाला टूल पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको टेम्प को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा और आपको सिचुएशन को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। आपको वाइब्रेंस का आपको थोड़ा सा, और इतना हो जाने के बाद आपको मिक्स टूल पे चले जाइएगा। और मिक्स टूल पे जाने के बाद से आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट करना है। आपको ह्यू को पूरा फुल माइनस कर देना है। आपको सिचुएशन का आपको थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा और फिर आपको येलो कलर सेट कर देना है। आपको ह्यू को पूरा माइनस कर दीजिएगा। आपको सिचुएशन को थोड़ा सा आपको बढ़ा लीजिएगा, कुछ स्टेप से इतना आपको बढ़ा लेना है। और इतना हो जाने के बाद से आपको ऑरेंज कलर सेट कर लेना है। और सेट करने में सिचुएशन का आपको थोड़ा सा माइनस कर दीजिएगा और ल्यूमिनेंस को आपको थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, तो आपका फेस वाइट हो जाएगा। उसके बाद से आपको आप अपने हिसाब से कलर एडजस्ट कर लीजिएगा और यहाँ से आपको डन कर दीजिएगा। और डन करने के बाद से फिर से आपको इफेक्ट वाला आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा और आपको टेक्स्चर का आपको थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा और आपको क्लियरिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। और बिगनेट को आपको थोड़ा सा माइनस की तरफ कर दीजिएगा। आप माइट पॉइंट का आपको थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा और आपको आपको फैक्टर्स को आपको थोड़ा सा माइनस की तरफ कर दिया। और इतना हो जाने के बाद फिर से आपको डिटेल का ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। और क्लिक करने के बाद आपको सरप्राइज को भी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा और आपको डिटेल्स को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा और आपको रेंडिमस आपको थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। और नॉइस रिटचिंग को आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना है। और आपको कलर नॉइस को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा और आपको डिटेल्स को फुल कर देना है। और आपको स्मूथ से स्मूथनेस का इतना हो जाने के बाद से आपको शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। और क्लिक करने के बाद से यहाँ से आपको सेव टू डिवाइस कर दीजिएगा।